आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर जिला सोलन के कुठाड़ में 26 जुलाई से शुरू हुई 8वीं जिला स्तरीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप रविवार 28 जुलाई को संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित लगभग 200 निशानेबाजों ने विभिन्न श्रेणियों की शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सोलन जिला राइफल शूटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप के समापन पर हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने भी शूटिंग रेंज पर 25 मीटर पिस्टल, पीप साइट और 12 बोर ट्रैप जैसी श्रेणियों में फायरिंग करते हुए अपने बेहतरीन निशाने का प्रदर्शन किया। सर, जिस तरह की प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पर हो रही हैं, हमारे युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इन प्रतिस्पर्धाओं के प्रति? स्थान के ऊपर प्रतिवर्ष स्टेट राइफल एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसके समापन के बाद फिर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता वो होती है और हर्ष का विषय है कि इस बार जो है जिला स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप समाप्त हो जाने के उपरांत जो प्रदेश स्तरीय जो प्रतियोगिता है वो चंबा में होगी। बिल्कुल, बहुत संभावनाएं इस खेल के अंदर और इस खेल को अपना करके जिनको शौक है और जिनमें शूटिंग की प्रतिभा है तो वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा देश तो विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय अगर हम शूटिंग स्पर्धाओं की अगर हम बात करें तो हमारा देश उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश भी इसमें आगे बढ़ सकता है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि एक शूटिंग रेंज, अगर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हिमाचल प्रदेश में हम बना पाएँ, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और स्थान भी उसका चयन जो है वो हो चुका है और मुझे, मैं आशान्वित हूँ कि बहुत जल्दी जो है ये शूटिंग रेंज, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हिमाचल प्रदेश में होने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके होने के उपरांत फिर हमारे जो युवा लोग हैं उनको अभ्यास करने के लिए भी वहाँ पर जो है वो स्थान मिल जाएगा और हमारी प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय स्पर्धाएं भी यहां पर आयोजित की जा सकती हैं। जो लोग नशे में लिप्त होकर इन गेमों को भूलते जा रहे हैं उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एकाग्रता का जो है वो खेल है एक किस्म से। इसमें अपनी एकाग्रता को जो है वो बढ़ाना होता है, अपने मन पर नियंत्रण रखना होता है, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना होता है। तो ये नियंत्रण लाने के लिए लंबा अभ्यास जो है वो करना, हमारी दिनचर्या में ये अभ्यास शामिल होंगे तो कुदरती तौर पर नशों की तरफ से या बुरी आदतों की तरफ से रुचि आदमी की हट जाएगी। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है तथा इसके लिए राज्य राइफल संघ के सहयोग से उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में निशानेबाजों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि निशानेबाजी जैसी प्रतिस्पर्धा में एकाग्रता का अहम रोल है, जो कि बार बार अभ्यास करके ही संभव हो पाता है और अभ्यास करने के लिए इंसान को नशे जैसी बुरी लतों से बचना चाहिए। मुख्य अतिथि ने इस जिला स्तरीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में अव्वल रहे निशानेबाजों को पारितोषिक भी वितरित किए। साथ ही अगस्त में जिला चंबा में होने वाली राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।